कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, मतलब इसमें हम थोड़ा नेगेटिव बता सकते हैं कि हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज में क्या ऐसा है जो हम इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, जो पहले हम बताएंगे प्रॉब्लम, उसके बाद ही हम इसको इम्प्रूव करेंगे ना, तो वो हो जाएंगे इसकी सजेशंस या रिफॉर्म्स पहले, लेकिन हम करेंगे प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं, बाद में हम इनको सॉल्व या सजेशंस जो है रेमेडीज होंगी वो बाद में, ठीक है। जैसे हमने इलेक्शंस का चैप्टर किया था याद है आपको 9th में, पहले हम उनके बताते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बाद उनको कैसे रिमूव करें, वो हो गए उनके सजेशंस। ऐसे ही हम पहले बताएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद फिर हम करेंगे इनकी रेमेडीज, रेमेडीज मतलब जो इनके सजेशंस। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऑब्वियसली नो डाउट, हमें पता ही है कि इलेक्शंस होते हैं, हम इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट टू वोट यूज करते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं, बट समहाउ पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं होती। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सीट्स या जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं वो या तो फैमिली मेंबर्स या कुछ ही जो लोग होते हैं उनकी होती है, और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं लेकिन वो कभी आगे नहीं आ पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी को बनाने में, उसकी पब्लिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका कहीं भी कोई भी या कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लोगों को शो नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि कॉमन पीपल जो है उनके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो उस पार्टी के मेंबर हैं या नहीं। मोस्टली इन ऑल द पार्टीज वन और फ्यू लीडर्स आर एट द टॉप। ये तो आप सबको पता होगा कि हर पार्टी का एक ही लीडर होता है, तो है ही, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन या दो ही पर्सन का नेम होता है, बाकी आप किसी को इतना नहीं जानते। एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ऑर्डिनरी मेंबर्स को पार्टी में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता, लीडर जो उनको ऑर्डर करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पार्टीसनशिप, पार्टीसनशिप क्या होती है, एक ऐसे पर्सन की टेंडेंसी जिसमें वो पार्टी की तरफ से कुछ भी उनको कहा गया है वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगर उनको कुछ भी पता है कि गलत हो रहा है तो वो कभी उसको अपोज या डिनाई नहीं करते, ठीक है। तो इट मीन्स एक पार्ट, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें पार्टी के अंदर ही रहना है, अगर वो पार्टी के अंदर नहीं रहेंगे या तो फिर रिजल्ट क्या होगा, या स्प्लिट हो जाएगा, पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब पार्टी के अंदर ही कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लीडर्स कीप ऑन फाइटिंग, मेंबर्स कीप ऑन फाइटिंग, उनकी आइडियोलॉजीज पार्टी, अगर वो आपस में ही पार्टी के अंदर ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो कंट्री को क्या संभालेंगे, ठीक है। सो मोस्टली इन ऑल द पार्टीज, बहुत सी पार्टीज हैं जिसमें ओनली वन और फ्यू लीडर्स आर एट द टॉप, यानी कि बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जिसमें सिर्फ एक दो लीडर्स ही होते हैं जो टॉप में होते हैं, लेकिन बाकी जो कॉमन या एक्टिव मेंबर्स हैं उनके बारे में, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं होती। सेकंड थिंग, उनको खुद को इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है कि पार्टी में क्या चल रहा है, ठीक है। दे डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द पार्टी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उनको खुद भी नहीं पता होता। एंड उनकी जो डिसीजन है वो लीस्ट बॉदर का मतलब होता है कि उनकी ओपिनियन जो है वो पार्टी में नहीं ली जाती, यानी कि हम ये अगर ऑन द होल समरी बात करें तो पार्टी के इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ एक दो पर्सन ही लेते हैं, उनके हाथ में पावर होती है, बाकी लोगों को सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए, और पार्टी से रिलेटेड जो भी डिसीजन हैं या कुछ हैं वो सिर्फ कुछ ही लोग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप ज्यादा है डेमोक्रेसी कम, जबकि पार्टी के अंदर जो भी होता है उसको वोटिंग के द्वारा, वोटिंग का मतलब होता है सब लोगों की वोटिंग करवाई जाए, या जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके लिए भी प्रॉपर इलेक्शंस हो, पार्टीज के अंदर भी इलेक्शंस होने चाहिए ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले, ताकि लोग इनको इनको जाने, ठीक है। मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी का बनाना दैट इज अ डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशन, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको भी वेटेज मिलेगी सोसाइटी, ठीक। सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे इसका मतलब है पार्टी के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी की कमी है। नो डाउट हम कहते हैं कि हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी नहीं, पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप ज्यादा होती है, और ये डिक्टेटरशिप जो है उनके टॉप लीडर्स के द्वारा होती है, ठीक है। सेकेंड इज
डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टी यहां पे डायनेस्टी रूल, हम ये नहीं कहते कि हमारी कंट्री में डायनेस्टी रूल है, ठीक है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में फैमिली कंट्रोल ज्यादा है। डायनेस्टी मतलब फैमिली आफ्टर फैमिली, वंशवाद, जैसे एक ही फैमिली। मोस्टली देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के टाइम पीरियड में जब टिकट देने की बात आती है तो वो अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही फ्रेंड्स, उनको ज्यादा प्रमोट करते हैं एज कम्पेयर टू न्यू, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हम किसी नए पर्सन को टिकट देंगे तो शायद ये हार ना जाए, और इसी डर के कारण उनको ये पता था कि लोगों को हमारी फैमिली के बारे में पता है, तो इसलिए वो फैमिली को टिकट्स जो है, फैमिली मेंबर्स को या अपने जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको टिकट देते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू ऑर्डिनरी वर्कर्स राइज एट द टॉप, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग शुरू से काम कर रहे हैं उनको भी टिकट नहीं दी जाती, उनको सिर्फ काम के लिए रखा जाता है, और इलेक्शंस के टाइम पीरियड में जब टिकट देने की बात आती है तो मोस्टली लीडर जो हैं वो अपनी फैमिली या जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको ही टिकट देती है। टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो टॉप पोजीशंस हैं वो हमेशा फैमिली मेंबर्स ही कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड सम पीपल विदाउट एक्सपीरियंस, फिर ऐसे में क्या होता है, जो लोग फैमिली के होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं भी होता, वो कैपेबल भी नहीं होते, लेकिन वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको टिकट दे दी जाती है, और जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एरियाज है, इम्पोर्टेंट सीट्स होती हैं, वो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हीं की फैमिलीज को ही जो है दी जाती है। तो ये क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फादर अपने ही प्रॉपर्टी अपने बेटे को देते हैं, तो हमारी कंट्री में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, जो टॉप लीडर्स हैं वो पार्टी का जो मतलब पार्टी की सीट या पार्टी की जो लीडरशिप है वो अपने बच्चों को आगे देते हैं, तो ये चीज है। लेकिन हम कहते हैं कि कंट्री में डायनेस्टिक रूल नहीं है, ठीक है, हमारी कंट्री में किसी भी तरह से मोनार्कियल सिस्टम नहीं है, लेकिन पार्टीज के अंदर ये देखा गया है कि फैमिली आफ्टर फैमिली जो है वो सेम पार्टी को संभाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों का उस फैमिली पे ट्रस्ट है, तो आगे जाकर उनके जो मेंबर्स अगर बाई चांस वो कैपेबल नहीं भी है तो भी लोग जो है वो उनको दे देंगे, टिकट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए कई बार क्या होता है, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको टिकट नहीं दी जाती, और इसलिए कई बार क्या होता है कंट्री में ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाती है जो उसके लिए जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होती। दैट इज कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वेरी फ्यू ऑर्डिनरी वर्कर्स राइज टू एट द टॉप, एंड यू कैन से टॉप पोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द सेम फैमिली मेंबर्स। जब इलेक्शंस में टिकट देने की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को ही टिकट देते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी वर्कर्स या ऑर्डिनरी जो पीपल हैं और या ऑनेस्ट पीपल जो हैं या जो उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव नहीं होते हैं, उनको बहुत कम चांस मिलता है, और ऐसे में क्या होता है, बहुत से ऑनेस्ट लीडर्स जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट इज मनी एंड मसल पावर। ये तो हम इलेक्शंस में भी हमने किया है, दैट इलेक्शंस के टाइम पीरियड में मनी एंड मसल पावर जो है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, डर्टी ट्रिक्स प्ले किए जाते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, हर तरह के ट्रिक्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। पार्टीज ऑलवेज चूज शॉर्टकट्स टू विन द इलेक्शंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, मनी जो है उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं लोगों को। मसल पावर, मसल पावर का मतलब क्या होता है, कई बार जैसे बूथ कैप्चरिंग, मैंने आपको बताया इलेक्शंस के जो वीकनेसेस हैं वही आप इसे बता सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, इसमें आप सारी प्रॉब्लम्स फंसा सकते हो, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग होते हैं। मसल पावर मतलब बूथ कैप्चर कर लिया जाता है इलेक्शंस के टाइम पीरियड में पार्टीज के जो लोग होते हैं, ठीक है। फॉल्स, फेक वोट्स, फेक वोटिंग होती है। फेक वोटिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्शंस के टाइम पीरियड में कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो मसल पावर का मतलब क्या होता है कि गनमैन को यूज करके फेक वोटिंग करवाते हैं। फेक वोटिंग का मतलब क्या होता है कि वोटिंग कार्ड किसी और का है, उसके ऊपर कोई और वोट कर रहा है, वो किसी और को वोट करेगा, ठीक है, या फिर लोगों को डरा धमकाकर जो है उनसे वोटिंग करवाई जाती है। तो ऐसा जो है वो मसल पावर, यानी कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस के टाइम पीरियड में मनी और मसल पावर जो है, मनी को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, ठीक है। और
इलेक्शंस के टाइम पीरियड में टिकट देने के टाइम लीडर्स ये भी देखते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो कितना स्पेंड कर सकता, कितनी मनी स्पेंड कर सकता. एंड कई बार क्या होता है, सम पार्टीज दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ द कंपनीज इंडस्ट्रियलिस्ट. कई बार क्या होता है, मनी मतलब मैंने कोई बताया कि इलेक्शंस में, अब आपको पता है कन्विंसिंग में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी रिच पर्सन या किसी कंपनी के अंडर इन्फ्लुएंशियल मतलब होती है, और उनसे पार्टी फंड्स के नाम पर पैसा लिया जाता है, और बाद में जीत जाने के बाद फिर यही जो लोग हैं वो उन कंपनीज या उन इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी उनके सेल्फिश मोटिव होते हैं उनको फुलफिल करते हैं. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कई पार्टी, मैं ये नहीं कह रही कि सभी पार्टीज ऐसा करती हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इलेक्शंस के टाइम पर में मनी और मसल पा जो है उसका मिसयूज किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग करवाई जाती है, फेक वोटिंग होती है, बोगस वोटिंग होती है, रिगिंग होती है, और पार्टी फंड के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या फिर जो रिच पर्सन हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं ताकि इलेक्शंस में जीत जाने के बाद जो कैंपेनिंग का खर्च है वो निकाल कर, जीत जाने के बाद जो भी उनके सेल्फिश मोटिव्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके. ठीक है, तो दैट इज मनी एंड मसल पावर. ये भी हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है इलेक्शंस के टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ चॉइस. लैक ऑफ चॉइस का मतलब है कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है. आपको पता ही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, जब भी कोई पर्सन वोटिंग के लिए जाता है तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नंबर ऑफ लीडर्स आर देयर, सम आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आल्सो, और उनके अलग अलग सिंबल्स हैं. कईयों के तो हम पार्टीज के नाम भी नहीं जानते, कईयों के तो लीडर्स के नाम भी नहीं जानते. तो ऐसे में क्या होता है, लैक ऑफ चॉइस. और इसमें क्या होता है कि हमारे मन में कोई भी स्ट्रॉन्ग, एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो आपके मन में पंजाब, आप किसके हाथ में, कौन चाहते हो कि सीएम होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि कोई पंजाब का कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप चाहते हो? सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा आपको तो अभी राइट टू वोट नहीं दिया गया ना, क्योंकि आप अंडर एज हो ना, 18 के नहीं, लेकिन सपोज आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसको चाहते हो आप कि पंजाब का सीएम नेक्स्ट फेज जो है, किसको एक्सपेक्ट करते हो? एनी ऑफ यू रेजर है, क्या आपके पास कोई चॉइस है? तो यही रीजन है लैक ऑफ चॉइस. लैक ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि लोगों के पास कोई क्लियर कट चॉइस नहीं होती कि वो किसको वोटिंग करें, और वोटिंग उनका वेस्ट ना जाए इसलिए वो क्या करते हैं, वोटिंग करने के लिए आते तो हैं, कई बार वो जो है वो किसी फिर ऐसे पर्सन को वोट कर देते हैं जिसको वो नहीं करना चाहते, या सब लोग जिसको वोट कर रहे हैं उसको कर देते हैं. उनको होता है कि हाँ जी हमारा वोट जो है वेस्ट ना जाए, तो बेटर है कि हाँ जो जीत रहा है उसको जिताओ, है ना. या फिर कई बार नोटा, या आते तो हैं वोटिंग करने के लिए, नॉट इंटरेस्टेड शो करते हैं. एनी वन ऑफ यू, किसको आप चाहते हो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फेज? अगर कोई बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा, इट मीन्स आप खुद सोच रहे हो कि लैक ऑफ चॉइस, आपके पास खुद ही चॉइस नहीं. यस, रेज योर हैंड टू हुम यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट सीएम. फेब्रुअरी मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मतलब मार्च के मंथ में आप किसको चाहते हो कि कौन कंट्री का सीएम है. अगर आपका हैंड रेज नहीं है तो यही इसका आंसर है, लैक ऑफ चॉइस, कि आपके, आप खुद बीइंग अ स्टूडेंट आप नहीं जज कर पा रहे हो कि कौन सी पार्टी या कौन सा पर्सन जो है वो नेक्स्ट पंजाब का सीएम आप उसको देखना चाहते हो. वाई? और अगर आपका हैंड रेज नहीं है तो वाई? ओके धवनेश, यस बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट मीन्स यू हैव नॉट डिसाइडेड. यस यस मैम, यस ना, तो यही है लैक ऑफ चॉइस. वेरी गुड. लैक ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि हमारे माइंड में कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो पर्सन नहीं है जिसको हम सीएम या फिर आगे जाकर किसी पर्टिकुलर पार्टी जो है उसको, उसका जो, उसका लीडर जो है वो लीड रोल मानते हैं. तो यही प्रॉब्लम आती है वोटर्स के आगे कि जब भी ऑल द पार्टीज टू सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज, अब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना, जितनी भी पार्टीज हैं उनके इंसेंटिव एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, ऑल द पार्टीज दे चूज सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज लेस. इसका मतलब क्या है, सभी कहते हैं कि हाँ जी ये वादे किए जाएंगे, ये प्रोमिसेस किए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जब वो जीत जाएंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो होगी दैट विल बी लेस. सो नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू वोटर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स है कि कोई क्लियर कट एजेंडा और एक स्ट्रांग जो है वो पर्सन या ऑनेस्ट पर्सन जो है वो लेकर आए ताकि लोग उसको जिताएं. अब लोगों को पता है कि हाँ जी ये सीएम हमें चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्टी को वोट करेंगे.
सपोज जैसे आपके माइंड में अब ये है कि ये पर्सन जो है इसको हम सीएम चाहते हैं, तो ये पर्सन किस पार्टी का है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस पार्टी का है हमें फर्क पड़ता है कि ये पर्सन को हमें सीएम बनाना, तो आप उस पर्सन को वोट करोगे, वोट आप ईवीएम में जो भी उसका नेम होगा उसके आगे जो भी सिंबल होगा डजंट मैटर, आप उस पर्सन को वोट करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप क्लियर कट आपके सामने चॉइस। लेकिन जब आपके सामने बहुत सी पार्टीज हैं, आपको सब पता ही नहीं है, सब सब एक जैसे ही हैं, तो आपके पास चॉइस ही नहीं, तो इस तरह से फिर आप जो है आप पॉलिटिकली जो एजुकेशन है या पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो आपको सूट नहीं करेगा, और धीरे धीरे आपका जो माइंड है आप ये कहोगे कि हाँ जी तो पॉलिटिक्स है ये ऐसे ही है, तो नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपके माइंड में आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आएंगे तो फिर देश का क्या होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज डिफेक्शन, हमारी कंट्री में ये भी मेन प्रॉब्लम है डिफेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ पार्टी, डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग ऑफ पार्टी, डिफेक्शन मीन्स जो लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो लीडर्स कीप ऑन शिफ्टिंग, लीडर्स क्या करते हैं कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, और उनको ये होता है दैट देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी इज डिक्रीजिंग। क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा रीजन है क्यों लोग डिफेक्शन करते हैं? सपोज एक पर्सन एक पार्टी में है तो वो कुछ देर के बाद दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, क्यों लोग ऐसा करते होंगे? व्हाट डू यू थिंक व्हाई, क्यों ऐसा ट्रेंड होगा हमारी कंट्री? एक पार्टी के साथ पहले जुड़ते हैं, जब भी स्पीचेस देते हैं वो उस पार्टी की फेवर करते हैं, फिर कुछ ईयर्स के बाद उनको लगता है कि नहीं अब इस पार्टी में रहकर उनको वो सीट या वो इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं मिलेगी, तो वो क्या करते हैं किसी और पार्टी के साथ फिर अलायंस, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी पुरानी पार्टी को छोड़ देते हैं, और उनके साथ ये जो है वो कोलैबोरेशन की जाती है कि मैं आपको इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि आप मुझे इम्पोर्टेंट या सीएम या इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री व्हाटएवर जो भी है आप अपना जो है वो मेन फेस जो है वो हमें दो, और ऐसे में वो पर्सन अगर पार्टी चेंज कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन, ठीक है। अब ये डिफेक्शन है, उनकी जो लॉयल्टी है अगर पार्टी टू पार्टी चेंज होती रहेगी तो वो कंट्री के लॉयल कैसे हो, है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकती है, डायरेक्ट नहीं आ सकता कि विच आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग या डिफेक्शन, कोई भी आपको आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको इसी अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एनी डाउट आस्क योर डाउट, देन आई विल स्टार्ट रेमेडीज और सजेशंस। हमने इन्हीं को ही सजेशन में बता देना है, इन्हीं को ही हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट्स या फिर रेमेडीज या फिर जो इनके रिफॉर्म्स उसमें बताएंगे। इफ इट इज क्लियर देन आई विल स्टार्ट फर्दर, इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर डाउट। हरी अप, गिविंग यू 1 मिनट। According to headings, you have to explain. First, write the heading, underline it, and then this heading should be explained at least in 2 or 3 lines, so that heading जो है वो आपकी language clear होनी चाहिए, and जो language आप अंदर लिखोगे वो heading के according होनी चाहिए. Okay. Now I will start remedies. Remedies, reforms, suggestions. कुछ भी मतलब आए तो आपने सारा आंसर आपका सेम ही होगा, लेकिन वर्डिंग में भी चेंज, रेमेडीज हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, रिफॉर्म्स हो सकता है। या प्रॉब्लम जो है उनको कैसे रिमूव किया जाए, तो सेम है ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को ही हम रेमेडीज की फॉर्म में, लेकिन हेडिंग आपका क्या होगा, हेडिंग चेंज हो जाएगा। लाइक स्ट्रेट वे आप हेडिंग ऐसा बनाओगे कि हेडिंग पढ़ते ही हमें पता लगे कि हाँ जी ये इसका रिफॉर्म, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे उसको लिखेंगे। अब कई बार रिफॉर्म्स ऐसे भी आ सकते हैं, सजेस्ट योर व्यूज ऐसे भी आ सकता है कि आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, कैसे होना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर दो कि वी वांट दिस टाइप ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। या फिर
आपको ऐसे भी आ सकता है विच स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. Control the problems या to improve the problems of political parties, है ना. तो किसी भी तरह देखो reforms हैं, remedies हैं, suggestions हैं, steps taken by government हैं, ठीक है. तो challenges जो हैं उनको remove करने के लिए, problems को remove करने के लिए government ने क्या किया है, आप क्या चाहते हो, तो हमने सारा combined form में बताना, ठीक है. तो किसी भी तरह से question आए आपने ये points आपने बताने. अब पिछले आपने question में पढ़ा defection, अब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, स्टेप लिया है, तो ये आएगा स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट. क्या आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, जहां पे मैं टिक कर रही हूं इट मींस ये स्टेप ऑलरेडी ले चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है. तो इसको आपने कैसे बताना है, ये रिफॉर्म्स में भी आएगा, रेमेडीज में भी आएगा, सजेशन में. अगर सपोज सजेशन है तो आप ये बता दोगे कि डिफेक्शन है तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है. सजेशन में आप बता दो कि इसको और अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करो, गवर्नमेंट इसको और अच्छी तरह से एनफोर्स करो, ठीक है. तो आप उस तरह से उसको सजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, डिफेक्शन का मतलब है चेंजिंग ऑफ पार्टी. एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब इसमें आपने बताना है कि इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज द पार्टी, यानी कि एमपी एमएलए बनने के बाद. अब क्या मतलब है इसका, अब इलेक्शन कमीशन किसी भी पर्सन को पार्टी चेंज करने से रोक नहीं सकता. अगर ये लॉ बनाया है तो लॉ किसके लिए बना है, अब किसी पर्सन को हम पार्टी चेंज करने से मना नहीं कर सकते. ये पार्ट अपनी, ये तो डेमोक्रेसी है. कोई पर्सन अगर एक पार्टी को छोड़ना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, और अगर वो किसी और पार्टी में जाना है ये भी उसकी मर्जी है, हम उसको रोक नहीं सकते. लेकिन कब रोक सकते हैं, जब वो पर्सन सपोज जिस पार्टी से वो जीता है, अगर सपोज पर्सन है वो ए पार्टी, पार्टी ए उससे वो जीता है, वो अब एमपी बन गए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ठीक है. अब आप इमेजिन करो कि एमपी बनने के बाद उसकी जो पार्टी है वो ऑपोजिशन पार्टी, वो रूलिंग पार्टी नहीं. अब वो पर्सन ये चाहता है कि मैं रूलिंग पार्टी, यानी कि मैं इस पार्टी को छोड़कर मैं रूलिंग पार्टी में जाऊं और वहां पे मुझे कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिल जाए, तो मैं इस ए पार्टी को छोड़कर पार्टी बी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि बी पार्टी जो है वो मेजोरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, ठीक है. तो अब वो चाहता है पर्सन कि मैं पार्टी छोड़कर, ये पार्टी, ए पार्टी छोड़कर मैं भी पार्टी ज्वाइन कर लूं, ताकि उस पार्टी में मुझे कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिल जाए. क्योंकि अगर वो ए पार्टी में रहेगा तो वो ऑपोजिशन में रहेगा और कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं मिलेगी, बी पार्टी में वो मिनिस्टर बन सकता. तो अब अगर ऐसा पर्सन जो पार्टी चेंज करता है तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एंटी डिफेक्शन लॉ. अगर वो पर्सन ऐसा करेगा जीत जाने के बाद, अगर वो एमपी बन गया तब अगर वो पार्टी चेंज करेगा, डिक्लेयर करेगा कि हाँ जी अब मैंने ये पार्टी छोड़ दी है, अब मैं एमपी हूँ, लेकिन अब मैं इस पार्टी का एमपी हूँ, देन उसकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल, उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. नाउ ही विल नॉट बी द एमपी, और उसकी जगह पर फिर इलेक्शन जो है वो नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, और इनको क्या कहा जाता है, बाय इलेक्शन, बी आई बाय इलेक्शन. इट इज क्लियर, रेज योर हैंड इफ नॉट क्लियर. अगेन आई एम टेलिंग यू, डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ पार्टी, जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है. लेकिन इलेक्शन कमीशन इस प्रॉब्लम को रोक नहीं सकते. हम किसी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि अगर एक पर्सन एक ही पार्टी का है तो थ्रू आउट लाइफ हो इसी पार्टी का ही, तो वो छोड़ सकता है. लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद अगर वो पर्सन उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का एमपी बनना चाहता है तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद उस पर्सन को फिर उस पर्टिकुलर एरिया में फिर बाय इलेक्शन करवाए जाएंगे. नाउ ही विल नॉट बी द एमपी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी. इट इज क्लियर, एंटी डिफेक्शन लॉ. इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस द पार्टी आफ्टर विनिंग द सीट इन द इलेक्शन, ठीक है. अगर वो सीट उसको मिल जाती है उस पर्टिकुलर, जैसे सपोज जलंधर है, जलंधर का जो एमपी है, ठीक है. अब जलंधर का जो एमपी है वो किसी एक पर्टिकुलर ए पार्टी का है, अब वो चाहता है कि मैं बी पार्टी का बन जाऊं, मैं ए पार्टी को छोड़ दूं. पर ये देखो ना कि जब लोगों ने उसको वोट किया होगा तो कई लोगों ने उसको सोचा होगा कि हाँ जी ये पर्सन है, लेकिन कईयों ने पार्टी के नाम पर उसको वोट किया होगा, कईयों ने पार्टी के सिंबल के अकॉर्डिंग उसको वोट किया होगा. तो उसने तो अगर उसने पार्टी चेंज कर ली, इट मीन्स उसने उन लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया जिन्होंने उसको पार्टी के नाम पर वोटिंग दी है, जिनका ट्रस्ट पार्टी से है,
है, ऐसे में फिर क्या कर रहा है वो पर्सन, वो खुद ही लॉयल नहीं है तो वो कंट्री के साथ क्या लॉयल रहेगा, कल को वो कंट्री भी चेंज कर लेगा, कल को वो किसी एनिमीज के साथ मिलकर अपनी कंट्री पे अटैक भी कर सकता है ना। सपोज इमेजिन करो कि ऐसी कंडीशन आ सकती है, लॉयल्टी लॉयल्टी कैन बी चैलेंज। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इसको बनाया है एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई पर्सन जीत जाने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे एंड दे विल नॉट गेट सीट इन द लेजिस्लेचर। जो पुराना पर्सन है उसको फिर दोबारा से इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करने का राइट नहीं दिया जाएगा। इट इज क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फर्स्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? इट इज क्लियर? हाँ जी, इट इज क्लियर बेटा? ओके धवनेश, थैंक यू बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड इज एफिडेविट। ये भी स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, ये भी इसमें आएगा, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एफिडेविट क्या होगा? एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा, ये कंपल्सरी होता है इलेक्शंस के टाइम में। अब आप देखोगे ना, जब 21 जनवरी को मैंने आपको बताया कि पंजाब में जितने भी जो लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देंगी, इनको अपना नाम नॉमिनेशन नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करना पड़ेगा, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने नेम दे दें और लोगों को ये क्लियर हो कि उन्होंने किसको वोट करना, किसको वो एमएलए बनाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने एमएलए बनाना है उसका नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर उनको फाइल करना पड़ेगा। और साथ ही एक क्या देना पड़ता है, एफिडेविट, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर होता है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। ये सभी कैंडिडेट्स जो एमएलए बनना चाहते हैं या जो एमपी बनना चाहते हैं उनके लिए कंपल्सरी होता है। और उसमें इन्होंने क्या लिखा होता है, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, दे हैव टू गिव द डिटेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें क्या क्या देते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स के नंबर देते हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका पासपोर्ट, आइडेंटिटी जो भी होती है वो सारा उसमें मेंशन करते हैं, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो सारा उसमें शो किया जाता है। ठीक है, एंड साथ में ये भी बताया जाता है कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं पेंडिंग उनके अगेंस्ट। इफ एनी केस इज पेंडिंग, सपोज अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, कोई क्रिमिनल कनेक्शन या कुछ ऐसा तो नहीं है, वो सारा जो है वो एफिडेविट उसको देना, वो अलग बात है कि वो अब हमारी मतलब कंट्री में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रियलिटी क्या है, एफिडेविट देने को तो देते हैं लेकिन वो क्लियर कट उसमें बताते नहीं, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मतलब कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं होती, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स या आगे रिलेटिव्स के नाम पे नहीं होती, तो वो उसमें शो नहीं करते। इसमें एफिडेविट में वो वही प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनके नाम पे होती है। सपोज अगर उनका घर उनके नाम पे है, या सपोज उनके पास कुछ फार्म्स हैं, या अकाउंट नंबर है, या बैंक अकाउंट्स हैं। कई बार क्या होता है उनके अकाउंट उनके नाम पे नहीं, उन्होंने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नाम पे होता है। सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ब्लैक मनी शो नहीं करना चाहता तो वो उसमें वो नहीं शो करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड आ गया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी होता है, ये एक नेगेटिव बता रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव गवर्नमेंट ने इसको क्यों किया है, ताकि उस पर्सन का सारा जो भी डिटेल है, उसकी अकाउंट्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, या ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल है वो उस एफिडेविट में साथ में नॉमिनेशन पेपर के साथ अटैच करनी पड़ती है। सो अगेन ये भी एक तरह से कंट्रोल है मनी के ऊपर, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता हो कि उस पर्सन के पास कितना बैंक अकाउंट्स या जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, या कोई क्रिमिनल या कोई केस तो नहीं पेंडिंग, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट इमेज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिले। लेकिन 100% ये नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग 100% एफिडेविट में ट्रू नहीं लिखते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ जी हमारी कंट्री में कुछ लोग डिसऑनेस्ट हैं, वो नहीं लिखते, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर द कैंडिडेट टू राइट द इंफॉर्मेशन, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टी, देयर अकाउंट्स, देयर फाइनेंस, और जो भी उनके पास अगर उनका कोई केस पेंडिंग है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन, देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो उनको लिखनी पड़ती है, और नॉमिनेशन पेपर उसके साथ होता है। हाँ जी अरमान, यस बिल्कुल, जैसे कई कई एमपीज के क्रिमिनल्स के साथ लिंक होते हैं और कईयों के केस पेंडिंग होते हैं, उनको फिर सीट नहीं मिलती या नॉमिनेशन टिकट नहीं मिलती? नहीं, मिल जाती है, लेकिन अगर
उनके अगेंस्ट कोई चार्ज ऑफ मर्डर ना हो, ऐसा ना हो, मतलब चल एट प्रेजेंट ना चल रहा हो, पेंडिंग ऐसा ना हो, चार्ज ऑफ मर्डर ना हो. वैसे अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो उनको वैसे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अगर जैसे हम कहते हैं सिविल केस है, सिविल केस है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है, चार्ज ऑफ मर्डर है, तो इलेक्शन कमीशन सोचेगा कि इस पर पैसे तो पार्टीज ही नहीं देंगी टिकट. अगर ऐसा है तो पहले तो पार्टीज इस पर्सन को टिकट ही नहीं देंगी. पार्टीज ये कहेंगे कि हाँ जी इस पर्सन की रेपुटेशन जो है वो उसका सवाल है, तो लोग इसकी रेपुटेशन को देकर पार्टी को नहीं देंगे, तो पार्टीज इसको टिकट नहीं देंगी पहले तो. क्लियर? इज क्लियर अरमान? ओके ठीक है. तो इसमें हमने बताना है एफिडेविट जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है. थर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. इट इज कंपल्सरी टू शो इनकम टैक्स रिटर्न हर पर्सन, हर सिटीजन, वी द पीपल, योर पेरेंट्स. ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वट एवर इनकम वी हैव टू गिव इनकम टैक्स, एंड ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. ठीक है, तो ये रिटर्न जो भी होती है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी है, ठीक है, दे हैव टू शो उनको जो भी उनके पास जिस फॉर्म 16 होता है या जिस फॉर्म पे वो सारा इनकम टैक्स, कितनी उनके पास इनकम है, कितना टैक्स पे किया है, ये सारा उनको इलेक्शन कमीशन को शो करना पड़ता है. और ऑटोमेटिकली जब शो करेंगे जितना वो टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है. वैसे तो आधार कार्ड पैन कार्ड ही आ गए तो गवर्नमेंट के पास सारी इनकम टैक्स स्टेटमेंट आ जाती है. तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है, ये मनी के कंट्रोल को, ये मनी एंड मसल पार जो है उसके कंट्रोल को कम करने के लिए रखा गया है, ताकि क्लियर कट इमेज मिले उस पर्सन की कि कितनी उसकी इनकम है, कितना वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है. तो कैंडिडेट हैज टू शो द डिटेल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आल्सो विद एफिडेविट. तो ये भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ताकि मनी के कंट्रोल को काफी हद तक जो है वो रोका जाए. क्लियर? एनी डाउट? These are three reforms steps that already have been taken by the government to control money and defection. ये already government ने किए. So tomorrow I will discuss other suggestions, improvements, ठीक है, और our views how we can contribute to solve the problems. हम अपने views क्या दे रहे हैं वो हम कल discuss करेंगे. ठीक है बेटा? Any doubt? 7:20 I'm going to end. Okay, thank you Diksha. Thank you. Thank you. Thank you.